हेलो फ्रेंड्स, निशा टेलर चैनल में आपका स्वागत है। हमने इससे पहली वीडियो में आपको सलवार की कटिंग करना बताया था, किस तरीके से सादी सलवार की कटिंग की जाती है। अब मैं आपको सलवार की सिलाई करना बताऊंगी। ये हमारी चार कली हैं। चार कली में से हम दो कली अलग कर देंगे, एक दो और दो अलग कर देंगे। और ये हमारे पैनल है दो, जिसमें से एक पैनल हम निकाल देंगे, ले लेंगे। एक पैनल सीधी तरफ रखना है हमें, और ये ऊपर का हिस्सा है, और ये जो देख रहे हैं ये नीचे पाँचे का हिस्सा है मोरी का। अब हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से कली जोड़नी है। एक कली हम इस तरफ जोड़ेंगे और एक कली इस तरफ जोड़ेंगे। तो मैं आपको कली जोड़ करके बताती हूँ किस तरीके से हमारी कली जुड़ेगी। ये हमने ले लिया है, सीधा उल्टा देख लेना है हमें। सीधे पे हम ये उल्टा रखेंगे और ये कली को हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले हम पक्का करेंगे। इसी तरीके से हम दोनों पैनल की दोनों कलियाँ, चारों कलियों को एक दूसरे में हम जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये चारों कली जोड़ ली है। दो कली एक पैर में जोड़ी है एक पैनल में, और दो कली एक पैनल में जोड़ी है। तो ये हमारे ये दोनों पैनल तैयार हो गए हैं कली के, और एक एक पैर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये रुमाली जोड़नी है। तो रुमाली जोड़ने के लिए हम रुमाली पहले सीधी उल्टी देख लेंगे। ये हमारी रुमाली सीधी है, और ये देखिए, ये आपको उल्टा कपड़ा दिख रहा होगा, और ये जो आसन का हिस्सा है एंड, ये हमारा 2 इंच नेफे का है, और यहाँ से हमारा 16 इंच तैयार है, और आधा इंच मार्जिन इसका है नेफ। यहाँ से हम, यहाँ जो ख़त्म हो रहा है हमारा आसन का हिस्सा, यहाँ से हम कली जोड़ेंगे। तो ये सॉरी रुमाली जोड़ेंगे। तो ये मैं इस तरीके से रुमाली को यहाँ पे रख के इस पर इस तरीके से इसको ज्वाइन करूँगी। ये हम रुमाली ज्वाइन करेंगे। रुमाली हमने नीचे रखी है सीधा करके, और ये हमारे सलवार का हिस्सा उल्टा है, और आप ये जो देख रहे हैं हमारा आसन का हिस्सा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हमने यहाँ पर रुमाली का कोना अटैच करना है, और यहाँ से स्टार्ट करना है सिलाई। और इसको रुमाली को ऊपर की तरफ से हमें ऐसे सिलाई ज्वाइन करनी है। ये देखिए, ये इस तरीके से ज्वाइंट हो गया है। अब एक बारीक सिलाई मैंने, जैसा कि मैंने बताया, मजबूती के लिए मैं इस पर एक बारीक सिलाई लगाऊंगी, ताकि हमारी रुमाली जल्दी फटे ना। ये जोड़ने के बाद अब हमें दूसरा जो हिस्सा है वो जोड़ना है। ये हमारा दूसरा पैर का हिस्सा है, अब हम इसे इसमें एक दूसरे में ज्वाइन कर देंगे। आपको जैसा मैंने बताया था पहले भी, नेफा हमें खोलने के लिए रखना होता है पहले, तो 1 इंच के करीब यहाँ लगाना है, और इतना छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक पक्का करूँगी, फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई करूँगी। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैं ये रुमाली को आसन को जोड़ूंगी। हमें कपड़ा नीचे ध्यान रखना है, कपड़ा हमारा नीचे का मुड़ना नहीं चाहिए,
और ना झोल आना चाहिए, पूरा दोनों कपड़ा बराबर मुंह से मुंह में आना चाहिए। इस चीज़ का करते वक्त हमें ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके से अब मैं यहाँ पे भी इतना दूर छोड़कर पक्का करूँगी। और ऐसे मैं बारीक सिलाई मजबूती के लिए अब जो हमारा ये हिस्सा है, हमने जो मुंह खुला हुआ है हमारा, इसका अभी हमें सिलाई करनी है, नेफे का हमें बनाना है। अब ऐसे ही हम इसका ऐसे मुंह खोलेंगे, और इस तरीके से बॉक्स बना करके सिलाई करना है। ये देखिए हमारा नेफा डालने का, रजारबंद डालने के लिए हमने मुंह खोल दिया है नेफे का। इसी तरीके से सेम दूसरी तरफ भी मुझे ऐसे ही जोड़ना है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से दूसरा आसन यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड देखिए मैंने इस तरीके से दोनों तरफ का आसन जोड़ लिया है और दोनों तरफ से ही ऐसे ही मैंने खोल लिया है ये। अब हमें क्या करना है, हमें नेफा मोड़ना है। नेफा मोड़ने के लिए ये हमें आधा इंच यहाँ से पकड़ना है और दो इंच के करीब हमें फोल्ड करना है। ऐसे करके हम चारों तरफ से नेफा मोड़ लेंगे। हमने पूरी सिलाई लगा के यहाँ पक्का कर लिया है, यह हमारा नेफा तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल है शलवार की सिलाई करना, सादी शलवार बनाना। बस ये है कि इसमें चार कलियाँ जुड़ती हैं। ये हमारा घेर तैयार हो गया है। हमने ये नेफा इस तरीके से देखिए चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ मेरा नेफा मुड़ गया है पूरी फिनिशिंग से। अब हमें क्या रह गया, हमें सिर्फ पाँचे बनाने हैं। तो पाँचे के लिए मैंने जैसा आपको बताया हुआ है, पाँचे के लिए मैंने पट्टी काट रखी है। ये कपड़े की पट्टी मैंने काटी हुई है पाँचे के लिए और बुकरम काट रखी है मैंने। अभी मैं आपको बुकरम भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी बुकरम कटी हुई है। अब मैं इसको इसमें ज्वाइन करूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम हमें मैंने ये पट्टी तैयार कर ली थी। अब इस पट्टी को मैं इस तरीके से इसमें कपड़े के साथ सीधा रख करके ज्वाइन कर दूँगी। ज्वाइन बन अब हम पाँचे मैंने इस तरीके से पट्टी देखिए ज्वाइन कर ली है, इस पर जोड़ ली है पट्टी को। अब हम पट्टी पे डिज़ाइन बनाएंगे। अब कोई सा भी मैं इसमें डिज़ाइन बना दूँगी, डिज़ाइन लगा कर डिज़ाइन बना के फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए हमारा पाँचे का डिज़ाइन तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। देखिए फ्रेंड हमारी शलवार पूरी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये शलवार तैयार हो गई है। ये हमारे शलवार के पाँचे हैं और ये हमारी पूरी शलवार रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी शलवार की स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी, और घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आप भी ऐसी शलवार कटिंग करके सिलाई करने की कोशिश करिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होती है।